यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे रिफाइंड फ्लावर। ये मैंने डेढ़ कटोरी 1.5 रिफाइंड फ्लावर यूज़ किया है। इसके अंदर हम डालेंगे कैरम सीड्स, आधा चम्मच कैरम सीड्स ऐड करेंगे। इसके अंदर हम सॉल्ट, सॉल्ट के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और अब हमको एक हार्ड डो रेडी करना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। यहाँ पे फिलहाल मैंने इतना पानी लिया है, एक कप के लगभग ये होगा, बट मुझे लगता नहीं है ये सारा इसके अंदर लगेगा। तो धीरे धीरे करके हम एक हार्ड डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक टाइट डो बिल्कुल रेडी कर लिया है और हाथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पाम में लगाया था ऑयल। और अब इसको हम ढक के रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इतने हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम डालेंगे धनिया, ये लगभग एक छोटा चम्मच मैंने धनिया डाला होगा। और साथ में डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, ये भी एक छोटा चम्मच होगा। और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक इसमें बढ़िया सी खुशबू आपको ना आए। मुश्किल से 30 सेकंड में ये आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमको नहीं करना है। ये अच्छे से भुन गया है और अब इसको हम एक अलग कटोरी में निकाल लेंगे। और अब डालेंगे थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हमको डालना है थोड़ा सा जीरा, बहुत ज़्यादा नहीं। जीरे के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी रेड चिली, ग्रीन चिली। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको चला देंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी मटर और इसको एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मटर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हमें डालना है मैश पोटैटो। मैश पोटैटो के बाद अब बारी है स्पाइसेस की। सबसे पहले हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाली थी। थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो आप डालें वरना आप इसको स्किप करें। ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, सॉल्ट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अमचूर पाउडर। ये सब मैं एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ, आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैंने अब गरम मसाला। गरम मसाले के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जो धनिया और जीरा हमने स्टार्टिंग में ड्राई रोस्ट किया था वो डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये भी मैंने जो किया था उसमें से भी थोड़ा सा बचा लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सिम गैस पे भूनेंगे हम लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। स्टफिंग अच्छे से भून गई है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम लेमन का जूस। ये हाफ लेमन यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और लास्ट में इसमें डाल देंगे कुछ पनीर के पीसेस, बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए। हम चला के इसको एक अलग बोल में निकाल देंगे ठंडा करने के लिए।
बना दिया है। लास्ट में थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैगी का मैजिक मसाला। आपने काफ़ी सारी मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा मैं इसको यूज़ करती हूँ ये, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम स्टफिंग को रख देंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। आटा बिल्कुल तैयार है, इसको थोड़ा सा हम स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। स्मूथ करने के बाद अब हम इसको पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, आपको ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, इस तरह से 6 पोर्शंस में मैंने इस आटे को डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक पोर्शन ले लिया है इसका और इसको अब हमें बेलना है इस तरह से, बिल्कुल पतला बेलना है हमको इसको, मोटा नहीं रहना चाहिए ये, बीच से किनारों से बिल्कुल पतला रहना चाहिए। जितना बड़ा आप इसको कर सकते हैं उतना बड़ा आप इसको फैलाइए इस तरह से। देखिए इसको अच्छे से हमने बेल लिया है। अब बेलने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले साइड से हम इसकी एक स्ट्रिप काट देंगे इस तरह से। ये साइड से मैंने इसकी एक स्ट्रिप काट दी है और इस स्ट्रिप को हम अलग रख देंगे। और अब हमको स्टफिंग लेनी है और स्टफिंग को हम एक कॉर्नर पे प्लेस कर देंगे इस तरह से। ये भी कितनी लेनी है, ज़्यादा कम, ये आप पे डिपेंड होता है। इस तरह से इसको थोड़ा सा हम हाथ से दबा देंगे जिससे ये थोड़ा सा ये फैल जाए। इस तरह से मैंने 2 चम्मच के लगभग स्टफिंग रख दी है और अब हमको इसको बहुत ही लाइट हैंड से इसको हमें रोल करना है इस तरह से। मैंने इसको रोल कर दिया है। रोल करने के बाद अब हमें ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका, इसकी हमें स्ट्राइप्स काटनी है इस तरह से। स्ट्राइप्स काटने के बाद अब इसके ऊपर हमको ये ऐसे रोल करना है। ये अच्छे से रोल कर दिया है और अब हमें इसको सर्कल पोर्शन में इस तरह से हम कर लेंगे। और अब ये जो 2 कॉर्नर्स हैं समोसे के, इस पे हम, यहाँ पे मैंने एक पेस्ट लिया है, 1 चम्मच मैदा को गाढ़ा गाढ़ा घोल लिया है और उसका एक पेस्ट बना लिया है। और अब इस पेस्ट को हमें दोनों साइड्स पे चिपकाना है इस तरीके से। दोनों तरफ अच्छे से मैदा का घोल लगा लिया है और अब इन दोनों किनारों को हमें इस तरह से जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो हमने स्ट्रिप काटी थी वो एक स्ट्रिप इस पे हम इस तरीके से लपेट देंगे। इस तरह से 4 रिंग समोसे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। इनको फ्राई कर लेते हैं।
इस तरह से मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है समोसों को, और अब इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से हम फ्राई करेंगे। देखिए जो समोसे हैं वो अच्छे से सिकने लगे हैं, गोल्डन ब्राउन इन पे कलर आ गया है। देखिए इसे पास से मैंने आपको दिखाया, इसी तरीके से इसको हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। ये मैंने पलट दिया था। ये देखिए समोसे बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये सिक गए हैं। देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं, और अब इनको निकाल लेते हैं। तो फाइनली रिंग समोसा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैप्पी कुकिंग।